मैं सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आप सब पत्रकार महोदयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वार्ता हुई और उस पर जो कुछ उन्होंने कहा, चूंकि उसी बार कुछ युवा लोग कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उस घटना का दोष भारतीय जनता पार्टी पर डाला। मैं सबसे पहले कांग्रेस की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं कि इस प्रकार वो अपनी गलतियों को दूसरों पर शिफ्ट करने की कोशिश करे, दूसरों पर डालने की कोशिश करे, ये कतई उपयुक्त नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में अजमेर में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने जा रही है और उसी कारण से वो बौखलाए हुए हैं। ये जो छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं ना अजमेर में, ऐसे लोगों को सम्मान इस अजमेर लोकसभा के मतदाता लौटा देंगे। जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वापिस चले जाएंगे। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि अब होगा न्याय, अब मिलेगा न्याय, 72,000 रुपये प्रत्येक घर को दिए जाएंगे। ये तो पता नहीं कब देंगे, ये तो शेख चिल्ली का सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उन गरीब युवकों को दिन भर की मजदूरी छुड़वाकर आप अपनी रैली में शामिल करने के लिए लाए 400 रुपये और भोजन के नाम पर, और उन गरीबों को वो 400 रुपये नहीं दिए। बीच में कांग्रेस के जो भी छुटवइये कार्यकर्ता होंगे उन्होंने खा गए होंगे वो पैसे को, और वो सारे के सारे युवक अपनी दिन भर की मजदूरी छोड़कर जो आए थे, उनको पता लगा कि इस होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां सारे नेता बैठे हैं, इसलिए उन्होंने जाकर वहां पर नारे लगाए और ये कहा कि हमारी मजदूरी हमको दी जाए। मेरे पास एक वीडियो और है जिसमें आज सचिन पायलट की एक मीटिंग मसूदा विधानसभा में होने वाली है, वहाँ पर यह कहा कि नरेगा में एक नया मास्टर रोल आया है और उसमें लोगों के नाम लिखे जाएंगे, इसलिए इस बस में बैठो, और इस तरह से बेवकूफ बनाकर इनकी सभाओं में लोगों को ले जाया जा रहा है सरकारी दबाव डालकर, नरेगा के नाम पर, आंगनबाड़ी के नाम पर। और ये जो घटना है, ये घटना अपने आप में साबित करती है और इसके गवाही की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप सबके सामने घटना हुई कि किस तरह से ये लोग भाड़े के लोग लेके आते हैं, गरीबों को झांसा देकर आते हैं। अभी तो राजस्थान की जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि 115 दिन निकलने के बाद किसानों का सारा कर्जा माफ किया, उसका कोई प्रमाण है? बेरोजगारों को 3500 रुपये पर मंथ दिए। मैं तो आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि मुझे एक युवक लाके बता दे जिसको इन्होंने 3500 रुपये दिए हैं। ये समाज और जाति की जो राजनीति हो रही है अजमेर में, इसकी भी मैं निंदा करता हूं कि इस तरह से समाज का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये पैसों के बल पर जिस तरह के भोज आयोजन हो रहे हैं, चुनाव आयोग को इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर, निर्वाचन अधिकारी को निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए कि उन भोज में केवल मात्र एक कांग्रेस के प्रत्याशी को क्यों बुलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में रोज रिजू झुंझुनवाला जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं चंबल का पानी अजमेर लेके आऊंगा। सरकार आए 115 दिन हो गए, मैं अजमेर की जनता के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ जो पानी की व्यवस्था चरमरा गई, उसको तो तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्या कारण हुआ कि तुम्हारी सरकार आने के बाद पानी अव्यवस्थित रूप से आ रहा है? अजमेर शहर में पूरा पानी नहीं आ रहा है, गाँव में 5 दिन 7 दिन में पानी आ रहा है। आप चंबल का पानी लाने का ख्वाब जो दिखा रहे हो, ये चंबल का पानी लाने की व्यवस्थाएं और इस पर सारा का सारा परियोजना पर जो बातचीत हुई है वो वसुंधरा जी की सरकार में हो चुकी है। और भीलवाड़ा में कौन सा पानी आ गया? भीलवाड़ा में तो रेल के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से पानी अजमेर से जाता था। मैं झुंझुनवाला जी को पूछना चाहता हूँ कौन सा पानी आपके भीलवाड़ा में आ गया और वो अतिरिक्त पानी आ गया जो अजमेर को दे देंगे आप? अजमेर जिले में जो स्थिति बन रही है,
आए दिन जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, जब राहुल गांधी की सभा होती है तो एक कोने में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार रेप होता है, उसका जवाब सरकार दे, और दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी ने सभी वर्गों को, चाहे वो मजदूर वर्ग था, वो महिला वर्ग थी, वो किसान वर्ग था, युवा वर्ग था, सबके हित में काम किए हैं और उन्हीं कामों के आधार पर हम लोग इस चुनाव में उतरे हैं। आयुष्मान योजना के तहत, भामाशाह योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने 3 लाख और 5 लाख तक के इलाज की जो योजना बनाई थी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद भामाशाह योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सरकार गरीब कल्याण के बारे में जो कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने किया उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका दर्द पाकिस्तान को तो कम और कांग्रेस को ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा है। आतंकवादियों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम उन सब धाराओं को हटा देंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित थी। ये अपने आप में बताता है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। और इसका बड़ा प्रमाण ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े हो हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जब हंगामा हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाला 136 वर्ष पुरानी कांग्रेस के मुखिया राहुल बाबा थे। क्या बताने गए थे वहाँ पर? ये बताने गए कि हम ऐसे नारे लगाने वालों के साथ खड़े हैं। कहते हैं मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़े? राष्ट्रवाद हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन इज फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड एंड सेल्फ इज लास्ट, कांग्रेस क्यों नहीं कहती हमारा देश पहले है? पर वहाँ तो एक परिवार पहले है, देश और पार्टी तो कहीं गई, वहाँ तो एक परिवार पहले है। माँ थी, बेटा आ गया, और दोनों से काम नहीं चला तो बिटिया आ गई। तो परिवारवाद के नाम पर जो चल रहे हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे चल सकते हैं? और राजस्थान की सरकार ने 3 महीनों में जो एक काम किया वो उल्लेखनीय काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका नाम है तबादला उद्योग। जितना पैसा उन्होंने 3 महीने में तबादला उद्योग के नाम पर बटोरे, लोगों से, कर्मचारियों से खाए हैं, उसका जवाब राजस्थान की जनता उनसे मांग रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अजमेर की जनता को सावचेत करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने तो हमारी योजनाओं को बंद किया, पर गलती से भी, जिसकी कोई संभावना नहीं है, अजमेर में कांग्रेस जीत गई तो ये जो स्मार्ट योजना है, स्मार्ट सिटी योजना, इसको ख़त्म करेंगे, प्रसाद योजना है इसको ख़त्म करेंगे, हृदय योजना है इसको ख़त्म करेंगे। और इसलिए अजमेर शहर, अजमेर देहात, लोकसभा के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि ये जो छुट्टियाँ मनाने आए हैं नेता अजमेर में, इनकी छुट्टियाँ 29 को ख़त्म हो जाएगी और ये बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानीय भागीरथ चौधरी भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस प्रकार धन बल के आधार पर इन्होंने बेरोजगारों को, युवाओं को दिशा भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी इस पर अपना महती ध्यान दें, इन पर कार्रवाई करें, और कांग्रेस झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लड़ाएं। उनके कार्यकर्ता हताश है, निराश है, घरों पर बैठे हैं, और वो कार्यकर्ता जब मैदान में नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से पैसे देकर, भाड़े के लोग बुलाकर अपनी चुनावी छोटी छोटी सभाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना था, आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। 1000 वोट हमारे बढ़ने वाले हैं, उनका आना ही हमारे लिए शुभ संकेत का प्रतीक है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं वो क्या बोलते हैं, एक आंकड़े को वो हर दिन बदल देते हैं, उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं है, न वो भारत को जानते हैं, न भारत की धरती को जानते हैं, न भारत की संस्कृति को जानते हैं, न उनको भारत की समस्याओं के बारे में पता है। ऐसे राहुल गांधी अगर यहाँ आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, ताकि हमारे 20-25 हज़ार वोट और बढ़ सकते हैं। अभी कहा है कि ये समाज के आधार पर राजनीति करना ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का पर्व है, या जाति समाज से ऊपर उठकर हमको अपना वोट करना चाहिए। और ये बातें कुछ लोग कर रहे होंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है,
पर आम समाज, सर्व समाज, सभी जाति और धर्मों के लोग एक मुखी होकर नरेंद्र भाई मोदी को वोट देने जा रहा है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर आपका क्या मुद्दा विकास का नहीं है? क्या पिछले 5 साल में आप लोगों ने कोई विकास कार्य नहीं कराए? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि राष्ट्रवाद पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। जहाँ तक रही विकास की बात, तो मैं भागीरथ जी के नाम से एक बात कहना चाहता हूँ। वो 13 से 18 तक किशनगढ़ के विधायक रहे, पर डे 365 × 5 गुना कर लो, पर डे 1 करोड़ के विकास के काम केवल किशनगढ़ विधानसभा में हुए हैं, ये भागीरथ जी की उपलब्धि है। 1800 और कुछ करोड़ रुपए का काम किशनगढ़ की विधानसभा में हुआ है, और किशनगढ़ के विधानसभा के अलावा चाहे वो नसीराबाद हो, अजमेर उत्तर हो, 8ों में वसुंधरा जी के नेतृत्व में 1500 से 2000 करोड़ के काम 5 वर्ष में हुए हैं। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जो उस 5 साल में कार्य हुए हैं वो विधायक के भी हैं और वो सरकार के भी हैं, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार थी। मूलभूत सुविधाओं का अभाव भारतीय जनता पार्टी में किसी पंचायत पर नहीं रहा। आदर्श पंचायत की बात छोड़िए आप, आदर्श पंचायत में तो और ज्यादा काम हुए हैं, वहाँ विधायक कोष लगा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि आदर्श पंचायत समिति में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो गौरव पथ हो, ग्रामीण गौरव पथ हो, पानी की योजना हो, बिजली की योजना थी, अभी हम गाँव में जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि वही शुरू हो गया वापिस, लाइट गई, लाइट आई। अरे औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ में लाइट जाने का क्रम का पता लगाइए आप लोग, कभी नहीं जाती थी, अब उद्योग धंधे तो दो तीन तीन घंटे बंद रहते हैं। चुनाव आयोग में शिकायत होगी, ये धार्मिक स्थानों का उपयोग कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो है जहां पर इनके बैनर लग रहे हैं और वहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता धार्मिक गाने गा रहे हैं, वो वीडियो हमारे पास आ गया, उसकी भी शिकायत आज हम करेंगे।